पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ धरपकड़ की अपनी मुहिम के तहत लुधियाना पुलिस ने फरीदकोट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेहरमन के इलाके से एक गैंगस्टर नवप्रीत सिंह उर्फ नवी को गिरफ्तार किया है और उसके घर से तलाशी के दौरान एक 12 बोर सिंगल बैरल राइफल, 12 जिंदा कारतूस, 29 चले हुए कारतूस, एक 32 बोर के कारतूस के नौ खोल, एक लोहे की गड़ासी, एक बर्छा, एक तलवार और 10 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नवप्रीत सिंह नोवी, उसके घर पे हमने गदापुर पिंड है मेहरबान थाने का, वहाँ पर रेड की थी। तो घर से हमें 12 बोर की एक राइफल, 12 जिंदा राउंड, 29 राउंड 12 बोर के चले हुए कारतूस, एक 9 32 बोर के कारतूस, एक लोहे की गंडासा, एक बर्छा, एक किरपान और 10 डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल और इसके अलावा कई सारे कंपनी के मोबाइल के खाली बॉक्सेस करीब 17 वो हमने वहाँ से रिकवर हुए हैं। इसमें जो बात है इंटरेस्टिंग वो है कि इस बंदे के पास जो कार्ट्रिज हमें वहाँ से मिले हैं कार्ट्रिजेस, उसमें प्रोहिबिटेड बोर कि जो नॉर्मली लाइसेंस वेपन के ऊपर नहीं होता है वो भी रिकवर हुए हैं और इसके अलावा जो प्रोफेशनल शूटर्स जो कार्टिजेस यूज करते हैं वो भी इनके घर से रिकवर हुई है। तो इसमें नवप्रीत सिंह है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो नवप्रीत और फिर नोवी है वो धर्मिंदर गुगनी है, उसका खास एसोसिएट रहा है और उसके साथ कई केसेस में वो इन्वॉल्व है, जिसमें से 2 केसेस हमारे पास रजिस्टर है। उसके अलावा और इसके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर है उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नामी गैंगस्टर धर्मेंद्र सिंह गुगली के साथी इस घर में छुपे हुए हैं तथा ये लोग लुधियाना में कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा के साथ कुलबीर राही की रिपोर्ट।